नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि मुक्ति कैसे प्राप्त करें एवं परम पद की प्राप्ति कैसे करें। तो सबसे पहली बात है मुक्ति, तो मैं बताना चाहूँगा जैसे कि हमारा, अगर हम अंदर अंतर ध्यान से सोचें कि हमारा मन है क्या, तो मन अगर आप सोचोगे तो मन नहीं मिलेगा। तो आपके शरीर में ना मन है, जैसा जैसा आप ध्यान करते जाएंगे तो सभी चीज़ें पता चलेंगी और जो आपका आत्मा है वो मुक्त आत्मा है, क्योंकि जब तक हम संसार के मोह माया में बंधन रहते हैं तब तक उसका पता नहीं चलता। और जो हमारा आत्मा है वही आत्मदेव है, जिसकी शक्ति से हम बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं। तो ये शक्ति आत्मा की चैतन्य शक्ति से आता है, इसी के ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति होती है। एवं सद्गुरु जो सत्य मार्ग बताते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी संत है उनकी शरण जाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेना चाहिए, उनसे शिक्षा लेना चाहिए, वही आपको मुक्ति का मार्ग बताएंगे, जिससे कि आप शीघ्र अतिशीघ्र परम मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि परम पद क्या है। परम पद मतलब जो सबसे उच्च पद माना गया है उसको परम पद कहते हैं। जैसे जैसे हम भक्ति या ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं तो एक, जैसे कि भक्ति करते करते एक अवस्था आती है जिसको भक्ति की पराकाष्ठा कहते हैं। तो जब आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आप परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक वैसे ही ज्ञान की छह स्टेज होते हैं। अगर उस छठवें स्टेज में आप पहुंच जाएंगे तो आप परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये छठवां जो स्टेज होता है उसमें मनुष्य को खाने का भी बुद्ध नहीं रहता, वो अपने मौज आनंद में ही मस्त रहता है, परमानंद सॉरी आनंद। वो उसको जो आत्म साक्षात्कार के बाद जो परमानंद मिलता है, जैसे आत्म साक्षात्कार कौन सा स्टेज है, चौथा स्टेज है, उसके दो स्टेज ऊपर परम पद है। यही है, हम जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक अनंत बार जीव के रूप में भटकते रहेंगे, बार बार जन्म होते रहेंगे। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए आप इस जन्म को सफल बनाएं एवं सद्गुरु के चरणों में शरण जाकर उनसे ज्ञान एवं भक्ति दीक्षा प्राप्त करें। जय श्री राम।